People are who you spend most of your time with, unless of course you are a monk, on the phone, at home, in the office, in the gym. People, 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 some more people all the time. और इससे भी ज्यादा वक्त आप अपने साथ बिताते हैं. You can't escape you. You are living in and with your body. और इतना वक्त बिताने के बाद भी हम लोगों से frustrated, angry, disappointed and more frequently बेवजह jealous होते रहते हैं. वेल, आपको जो लगता है आपने वो वक्त अपने साथ बिताया था, वो बिताया नहीं था. ऑटो पायलट पे अपने आप बीत रहा था. क्योंकि अगर सही मायने में बिताया होता तो आपको अपने इन सेंटिमेंट्स और इमोशंस के बारे में पता होता, राइट? वेल, कहने को तो हम सबसे ज़्यादा अपने साथ रहते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हम बसते कहाँ हैं? अब अगर आई हैव योर अटेंशन, तो बात करते हैं उसे एक वजह की जिसकी वजह से आप लोगों से डील करने में कमजोर पड़ जाते हैं. जिससे हम डील कर रहे हैं वो भी एक ह्यूमन है और हम भी, तो झगड़ा किस बात का? झगड़ा है नजरिए का. जैसा मैं वैसी दुनिया, इस लाइन को हमने न जाने कितनी बार अनसुना किया है. वी फंक्शन इनसाइड आउट. जो अंदर होता है वही बाहर आ जाता है, राइट? And I'm jealous of you because yes, you have something which I don't. But mainly, I have opened myself by a great degree and forgot to shut. मतलब you are like a small baby on a highway, जिसे कोई भी कभी भी और कैसे भी hurt करके जा सकता है. And I'm sorry, bro, you are not that small baby in that film Baby's Day Out, जो हर problem को dodge करके चला जाता है. You are not. You, darling, are a small naked baby. Yes, with a nappy, of course. On the real road, surrounded by real people with pitchforks in their hands. No. वो pitchforks आपके शरीर में चुभाने के लिए नहीं है, वो तो उन लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए रखे हुए हैं. ये तो आप हैं जनाब जो संभल के नहीं चल रहे हैं, यू नो, देख के नहीं चल रहे हैं, तो बार बार उन pitchforks से टच होके अपने आप को हर्ट कर लेते हैं. ये दुनिया तो सदियों से डायनेमिक और अनप्रडिक्टेबल रही है. इट्स नॉट न्यू. ये तो हम हैं जो बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठ गए हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, और उसी लालच में एक बहुत बड़ी गलती करके बैठ गए. अपनी मस्ती, अपनी फ्रीडम, अपनी शांति, अपनी खुशी दूसरों को ब्याज पे दे के बैठ गए हैं. और इस सब खिचड़ी के बीच में ना हमने उस इंसान को खो दिया है जो बच्चों की तरह खेलता था, सोता था, डांस करता था, मस्ती करता था. और अगर कोई हर्डल आता भी था जिंदगी में, कोई मुसीबत आती भी थी, तो एक पल के लिए परेशान होता था या रोता था, फिर खड़ा होता था, कपड़े झाड़ता था और हंसते हुए आगे बढ़ता था. अगर मेरे या आपके हिसाब से दुनिया चलती तो न जाने क्या क्या बवाल हो जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो. क्या हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव नहीं? ओह कम ऑन यार, वी नो आवरसेल्फ्स. हम अपने आप को जानते हैं. हम अपने आप को तो अपने हिसाब से चला नहीं सकते, तो दुनिया को चलाना तो भूल जाओ यार, सोचना भी नहीं चाहिए. तो रीफ्रेमिंग इज द वर्ड. आई मीन, कभी भी अपने आप को आप अगर आउटर सर्कमस्टांसिस और पिच फोक वालों से अफेक्टेड पाएं, तो जानबूझ के अपने उस मूड को रीफ्रेम करें. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं जल्दी पहुंचना है तो जानबूझ के स्लो हो जाएं और आराम से जाएं, यू नो. अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो जानबूझ के हंसें. किसी से जेलसी हो रही है तो जानबूझ के एक हल्की सी स्माइल लेके आएं और ये सोचें कि यार किसी का भला हुआ है, यू नो. एंड बाय द वे, आपकी पर्सनैलिटी और आपका लाइफस्टाइल भी न जाने कितनों की जेलसी का कारण है. यस, एंड फ्रस्ट्रेशन को एक लॉन्ग वॉक, रीडिंग, म्यूजिक या फिर वर्कआउट से काउंटर करें. ये कुछ हैक्स हैं जो मैंने खुद पे अप्लाई किए हैं, और मैं आपको वो सब करने को क्यों कहूँ जो मैं खुद नहीं करता, राइट? आई स्ट्रांगली बिलीव इन कंपाउंडिंग. मतलब श्रद्धा से लगातार एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में किया गया काम रिजल्ट्स देता ही देता है. अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी बॉडी एक दिन में बन जाती, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एक दिन में खड़ी हो जाती, वगैरह वगैरह. तो बस आपको भी ये हैक्स अपने ऊपर अप्लाई करने हैं और जानबूझ के करने हैं. धीरे धीरे यू विल कन्वर्ट इनटू अ पर्सन हु इज फ्री. किन चीजों से? ऐसी चीजों से जिन्होंने आपका बहुत सारा वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर दिया, एंड एज अ रिजल्ट आपके पोटेंशियल को सप्रेस करके आपकी प्रोग्रेस को डिले कर दिया. मतलब जो काम अभी तक हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ. एंड प्लीज रिमेंबर,
आपकी सपोर्ट के बिना मेरी वीडियोस ठीक वैसे हैं जैसे एक बिना मेहमानों वाली शादी। यू नो आई कैन अंडरस्टैंड, ये बार बार किसी को, किसी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, किसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए बोलना बोरिंग इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट शादी के कार्ड्स बांटने जैसा ही है। लेकिन बिना कार्ड दिए कोई शादी में आता है क्या? नहीं। सो प्लीज डू स्प्रेड माई वीडियो लिंक्स टू एज मेनी पीपल एज यू कैन सो दैट इट माइट रीच वेयर इट शुड। Thank you in advance and take care. See you soon.